वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने कन्वेयंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ये पढ़ना स्टार्ट किया था, राइट? हमने टाइप्स ऑफ पाइप्स में सबसे पहला टाइप एस्बेस्टोस पाइप ये पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। नाउ सेकंड, कास्ट आयरन पाइप। कास्ट आयरन पाइप्स आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर द कन्वेयंस ऑफ वाटर। कास्ट आयरन पाइप्स ये कन्वेयंस ऑफ वाटर के लिए, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए एक्सटेंसिवली यूज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। दे आर अवेलेबल इन साइजेस अप टू डायमीटर अबाउट 1 to 0.0 mm और मोर। इनके ये कास्ट आयरन पाइप्स अलग अलग साइजेस में हमें अवेलेबल होता है अकॉर्डिंग टू आर यूज़। उनका साइज 1 to 0.0 mm या उससे ज़्यादा के साइजेस में वो हमें मिलते हैं। Advantages of cast iron pipes. The cost is moderate. Cast iron pipes का cost moderate होता है, मतलब ना ज़्यादा महंगे होते हैं ना ज़्यादा सस्ते होते हैं। Not too cheap and not too expensive. Normal rate होता है। The pipes are not subjected to corrosion. इन पर भी asbestos pipe की तरह cast iron pipes पर भी acid और chemicals का effect नहीं होता। द पाइप्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ये पाइप्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, मतलब लंबे समय तक चलते हैं। द पाइप्स आर ईजी टू ज्वाइन। एस्बेस्टोस पाइप में भी यही पॉइंट था। एस्बेस्टोस पाइप्स की तरह ही दो कास्ट आयरन पाइप्स को भी जोड़ना काफ़ी ईजी होता है। द यूजुअल लाइफ ऑफ कास्ट आयरन पाइप्स अंडर नॉर्मल कंडीशन इज़ अबाउट 100 years और सो। हमने देखा ये पाइप्स स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होते हैं। कितना ड्यूरेबल होते हैं, ये 100 साल तक चल जाते हैं। Disadvantages of cast iron pipes. The breakages of these pipes are large. Cast iron pipe को destruct करना practically बहुत impossible होता है। ये pipes टूटते नहीं, पर यदि किन्हीं वजहों से अगर ये pipe टूट जाते हैं, अगर इनमें breakages आते हैं, तो वो काफ़ी बड़े होते हैं, large होते हैं। इन्हें repair करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए इन्हें हमें maintain करना काफ़ी ज़रूरी होता है। The pipes are used for pressure greater than 0.7 newton per mm square. जब हमें कोई पाइप 0.7 newton per mm square से ज़्यादा के प्रेशर में पानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए चाहिए होता है, तब हम कास्ट आयरन पाइप्स का यूज़ करते हैं। The carrying capacity of these pipes decreases with the increase in life of pipes. अगर हमें ज़्यादा लाइफ वाला कास्ट आयरन पाइप चाहिए हो, तो हमें कंपनसेट करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है उसकी कैरिंग कैपेसिटी के साथ। अगर हम ज़्यादा लाइफ वाला पाइप लेते हैं, तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। When the size increases beyond 1 to 0.0 mm diameter, then pipes become heavier as well as uneconomical. अगर हमारा cast iron pipe जो हम use कर रहे हैं वो 1 to 0.0 mm diameter से बड़ा रहा, तो वो काफ़ी भारी हो जाता है और uneconomical हो जाता है। uneconomical मतलब हमारे project में उसका cost बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हम उसे handle भी नहीं कर पाते अच्छे से, transport भी नहीं कर पाते हैं। वो भारी होने की वजह से उनका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी बढ़ जाता है, तो वो हमारे लिए अनइकोनॉमिकल हो जाता है। कंपैरिजन ऑफ कास्ट आयरन पाइप विद पीवीसी पाइप। द पाइप्स विच आर मेड अप ऑफ कास्ट आयरन आर कास्ट आयरन पाइप। एकदम ऑब्वियस सा पॉइंट है, जो पाइप कास्ट आयरन से बनता है उसे कास्ट आयरन पाइप बोलते हैं। द पाइप्स विच आर मेड अप ऑफ पीवीसी और पीवीसी पाइप, जो पाइप पीवीसी से बनते हैं उन्हें पीवीसी पाइप बोलते हैं। कास्ट आयरन पाइप्स आर हैवी देयरफॉर डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट। कास्ट आयरन पाइप्स हमने अभी पढ़ा काफ़ी भारी होते हैं, तो उन्हें ट्रांसपोर्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। दिस पाइप्स आर लाइट इन वेट, ईजी टू ट्रांसपोर्ट, बेंड जॉइन एंड इंस्टॉल। पीवीसी पाइप्स काफ़ी हल्के होते हैं, तो इन्हें ईजिली हम ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, बेंड कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू आर यूज़। अगर हमें बेंड करने की ज़रूरत पड़ी तो वो बेंड भी हो जाते हैं आसानी से। जॉइन, दो पीवीसी पाइप को ज्वाइन करना काफ़ी ईजी हो जाता है। एंड इंस्टॉल, जहाँ हमें सेट करना है हमारी पाइपलाइन, वहाँ ईजिली इंस्टॉल भी हो जाते हैं। ये सारी दिक्कतें हमें कास्ट आयरन पाइप्स में आती हैं, ट्रांसपोर्ट करने की, बेंड करने की, जॉइन करने की, इंस्टॉल करने की, क्योंकि ये काफ़ी भारी होते हैं। द कोफिशेंट ऑफ एक्सपेंशन फॉर दिस पाइप इज़ लो। अब कोफिशेंट ऑफ एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? अगर किसी चीज़ का कोफिशेंट ऑफ एक्सपेंशन लो है, इसका मतलब उस पर टेम्परेचर का ज़्यादा असर नहीं पड़ता। प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कोई भी मटीरियल एक्सपैंड होता है, पर कास्ट आयरन पाइप्स, इन पर टेम्परेचर का ज़्यादा असर नहीं पड़ता, ये ज़्यादा एक्सपांड नहीं होते क्योंकि इनका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन लो है। पीवीसी पाइप्स, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन फॉर दिस पाइप इज़ हाई।
पीवीसी पाइप्स का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या है? हाई है, मतलब इन पर टेम्परेचर का काफ़ी असर पड़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो इनका वॉल्यूम बढ़ेगा, मटेरियल एक्सपैंड होगा। टेम्परेचर कम हुआ तो मटेरियल वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। नाउ थर्ड टाइप, आरसीसी पाइप। द रेनफोर्समेंट इन आरसीसी पाइप कंसिस्ट ऑफ रिंग्स और हुप्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल स्टील बार्स। इस तरह के रिंग्स हुप्स से बनता है और लॉन्जिट्यूडिनल स्टील बार्स रहते हैं इनके अंदर। दिस पाइप्स में वेरी फ्रॉम 500 mm टू 50 mm और मोर। इन ये भी अलग अलग साइज में अवेलेबल होते हैं, जैसे 500 mm टू 50 mm या उससे ज़्यादा। एडवांटेजेस ऑफ आरसीसी पाइप्स, द मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो। आरसीसी पाइप का मेंटेनेंस कॉस्ट लो होता है, एक बार हमने उन्हें लगा दिया तो वो अगर ख़राब भी होते हैं तो हम पैसे ज़्यादा नहीं लगते उन्हें रिपेयर करने में। उनका मेंटेन करना उनको ईजी होता है और कॉस्ट भी लो लगता है उन्हें मेंटेन करने का। द इनसाइड सरफेस ऑफ पाइप कैन बी मेड स्मूथ। इन पाइप्स का इनसाइड सरफेस रफ भी हो सकता है, पर अगर हमें स्मूथ चाहिए तो हम स्मूथ भी बना सकते हैं। यदि स्मूथ बनाया हमने तो हमें क्या एडवांटेज मिलेगा? हमने ये एस्बेस्टोस पाइप में भी डिस्कस किया था, यदि पाइप के अंदर का सरफेस स्मूथ रहा तो उसमें से पानी ज़्यादा इजीली फ्लो होगा, क्योंकि वो पाइप रेजिस्ट नहीं करेगा, रेजिस्टेंस नहीं देगा, उसके अंदर का पानी कॉन्स्टेंट फ्लो में ट्रांसपोर्ट होते रहेगा। द पाइप्स आर ड्यूरेबल विद यूजफुल लाइफ ऑफ अबाउट 75 ईयर्स। कास्ट आयरन पाइप की लाइफ कितनी थी? अबाउट 100 ईयर्स। आरसीसी पाइप्स की लाइफ होती है अबाउट 75 ईयर्स। द पाइप्स कैन बी कास्ट एट साइट ऑफ वर्क। इन पाइप्स को हम अपने साइट पे भी बना सकते हैं। साइट पे मतलब जहाँ हमें पाइपलाइन इंस्टॉल करनी है उस जगह पर हम इस पाइप को बना सकते हैं। एंड दस देयर इज रिडक्शन इन ट्रांसपोर्ट चार्जेस। अगर हम इन्हें साइट पर ही बना रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं लगेगा। अगर हम कहीं और से पाइप्स को बनाकर अपने साइट तक ला रहे हैं तो हमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेगा। दीज पाइप्स आर हैवी इन वेट एंड हेंस दे विल नॉट बी अफेक्टेड बाई द फोर्स ऑफ बायंसी व्हेन प्लेस्ड अंडर वाटर इवन व्हेन दे आर एम्प्टी। ये पाइप्स इतने भारी होते हैं वेट में कि उन पे वाटर के बायंसी फोर्स का इफेक्ट नहीं होता। नाउ फोर्स ऑफ बायंसी का क्या मतलब है? जब हम पानी में उतरते हैं किसी पुल में किसी नदी में तो पानी हमें ऊपर की तरफ फेंकता है, हमें अपना वेट हल्का महसूस होता है। ये जो फोर्स है जिससे पानी हमें ऊपर फेंकता है उसे बोलते हैं बायंसी फोर्स। तो ये पाइप हम अंडर वाटर भी अच्छे से इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये पाइप इतने भारी होते हैं कि इन पे वाटर का बायंसी फोर्स एक्ट नहीं होता, पानी इसे ऊपर नहीं फेंक पाता। फिर भले ही ये पाइप खाली भी क्यों ना हो, इनके अंदर पानी ना हो, तब भी ये अंदर अच्छे से इंस्टॉल रह पाएंगे। दिस पाइप विल नॉट कोलैप्स और फेल अंडर नॉर्मल ट्रैफिक लोड्स व्हेन प्लेस्ड बिलो रोड्स। हमारी पाइपलाइन का रास्ता किसी रोड के नीचे से जा रहा हो तो हम इन पाइप को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब गाड़ियाँ रोड से जाएगी तो हो सकता है कि नीचे का पाइप अगर वीक हो तो वो कोलैप्स हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। पर आरसीसी पाइप्स ख़राब नहीं होते, ये झेल सकते हैं ट्रैफिक का लोड। व्हेन दिस पाइप्स आर यूज देयर इज़ नो डेंजर ऑफ रस्टिंग एंड इनक्रस्टेशन। रस्टिंग मतलब क्या होता है? जब हम किसी आयरन को या स्टील की चीज़ों को बाहर रख देते हैं और अगर एटमॉस्फेयर में पानी रहा, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर रहा, तो उस पर लाल लेयर चढ़ जाती है, रेड कलर की रस्ट की लेयर चढ़ जाती है। ऐसा आरसीसी पाइप्स के साथ नहीं होता। इनक्रस्टेशन का मतलब भी वही होता है, क्रस्टेशन मतलब क्रस्ट का चढ़ना, किसी भी चीज़ पे क्रस्ट चढ़ना मतलब लेयर चढ़ना। तो आरसीसी पाइप्स पे किसी की लेयर नहीं चढ़ती है, वो रस्ट नहीं होते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ आरसीसी पाइप्स, अफेक्टेड बाय एसिड्स। हमने कास्ट आयरन पाइप में और एस्बेस्टोस पाइप में पढ़ा कि वो एंटी कोरोसिव होते हैं, उन पे एसिड और केमिकल्स का असर नहीं होता, बट आरसीसी पाइप्स पे एसिड्स और केमिकल्स का असर होता है। रिपेयर्स आर वेरी डिफ़िकल्ट। आरसीसी पाइप्स अगर ख़राब हुए किसी वजह से, हाँ ये लोड झेल सकते हैं काफ़ी सारा, अंडर वाटर प्रेशर भी झेल सकते हैं और अंडर रोड प्रेशर भी झेल सकते हैं, पर यदि किन्हीं वजहों से ये ख़राब हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, तो इन्हें वापस रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन एंड लेइंग कॉस्ट इज़ हाई। इन पाइप्स का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लग जाता है और लेइंग कॉस्ट मतलब इन्हें इंस्टॉल करने का कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है।
डिफ़िकल्ट टू मेक कनेक्शंस, कास्ट आयरन पाइप और एस्बेस्टोस पाइप दोनों का कनेक्शन ईजी था, बट आरसीसी पाइप, दो आरसीसी पाइप्स को जोड़ना, उनका कनेक्शन बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है. नाउ स्टील पाइप्स, द माइल्ड स्टील इज़ यूज फॉर द मैनुफैक्चर ऑफ स्टील पाइप्स. स्टील पाइप्स के मैनुफैक्चर के लिए माइल्ड स्टील मटेरियल का यूज़ होता है. The steel pipes are generally used for pipes having diameter greater than 1200 mm. अगर हमें पाइप जो हम यूज़ कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे पाइपलाइन सिस्टम में, अगर उस पाइप की ज़रूरत हमें 1200 mm डायमीटर से बड़ी पाइप की हो, तो हम स्टील पाइप यूज़ करते हैं. द इनसाइड एंड आउटसाइड सर्फेसिस ऑफ स्टील पाइप्स आर जनरली गैल्वनाइज. स्टील पाइप का इनसाइड और आउटसाइड सर्फेस गैल्वनाइज किया जाता है. गैल्वनाइज का मतलब क्या होता है? गैल्वनाइजेशन और गैल्वनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू स्टील और आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग. हमने डिस्कस किया कि जब हम आयरन या किसी स्टील की चीज़ को बाहर रख दें तो वो कुछ दिनों में ख़राब हो जाती हैं, उस पर रेड कलर की लेयर चढ़ जाती है, रस्ट हो जाता है वो. तो इसके लिए ये स्टील पाइप पानी से रस्ट ना हो, इसके लिए इसके अंदर का पार्ट, मतलब अंदर का सरफेस और बाहर का सरफेस, दोनों पर जिंक की कोटिंग चढ़ाई जाती है, और जिंक की कोटिंग चढ़ाने के प्रोसेस को गैल्वनाइजेशन कहा जाता है. ओके, द इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ स्टील पाइप्स आर जनरली गैल्वनाइज्ड, मतलब इनके अंदर का लेयर, अंदर का सरफेस और बाहर का सरफेस गैल्वनाइज किया जाता है, जिंक की कोटिंग चढ़ाई जाती है, इन्हें पानी के बुरे असर से बचाने के लिए, रस्टिंग होने से रोकने के लिए. एडवांटेजेस ऑफ स्टील पाइप्स, द पाइप्स आर चीप इन फर्स्ट कोट. चीप इन फर्स्ट कोट मतलब हमने देखा कि इस पर कोटिंग चढ़ाई जाती है जिंक की, तो शायद जब सिर्फ सिंगल कोटिंग चढ़ी हो जिंक की तो ये सस्ते मिलते होंगे. जैसे जैसे कोटिंग बढ़ती जाती होगी वैसे वैसे इनके रेट भी बढ़ते जाते होंगे. द पाइप्स आर अवेलेबल इन लार्ज लेंथ, दस द नंबर ऑफ जॉइंट्स बिकम लेस. ये पाइप्स काफ़ी लंबे लंबे मैन्युफैक्चर होते हैं, और अगर ये लंबे मैन्युफैक्चर हो गए तो हमें नंबर ऑफ पाइप्स भी कम लगेंगे. अगर हमें 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक पाइपलाइन लेके जानी है सपोज, तो पाइप जितने लंबे रहेंगे उतने कम लगेंगे, जितने कम पाइप लगेंगे उतने जॉइंट्स हमें कम करने पड़ेंगे, है ना. द पाइप्स आर फ्लेक्सीबल टू सम एक्सटेंट एंड दे कैन देयरफॉर बी लेड ईजिली ऑन कर्व्स. फ्लेक्सीबल टू सम एक्सटेंट, फ्लेक्सिबल होने के वजह से क्या एडवांटेज मिलता है कि यदि हमारा पाइपलाइन का जो रूट है वो थोड़ा सा कर्व रहा तो वो वहाँ पे भी इंस्टॉल हो जाता है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है. द पाइप्स आर ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू रेजिस्ट हाई इंटरनल वाटर प्रेशर. ये पाइप्स काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये अंदर के हाई वाटर प्रेशर को भी सहन कर पाते हैं. द पाइप्स आर लाइट इन वेट एंड देयरफॉर इट बिकम्स ईजी टू ट्रांसपोर्ट देम. ये पाइप्स काफ़ी हल्के होते हैं और हल्के होने की वजह से हम इन्हें आसानी से ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टील पाइप्स, द मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई. इनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, इनको मेंटेन करने में जो पैसे लगते हैं, रिपेयरिंग वर्क में जो पैसे लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा लगते हैं. द पाइप्स आर लाइकली टू बी रस्टेड बाय स्लाइटली एसिडिक और अल्कलाइन वाटर. अगर हमने इन्हें गैल्वनाइज नहीं किया और अगर इनमें से हमने एसिडिक या बेसिक वाटर, एसिडिक या अल्कलाइन मतलब क्या होता है, बेसिक वाटर अगर हमने ट्रांसपोर्ट कराया इसके अंदर से, तो ये पाइप रस्ट होने लगेंगे, ख़राब होने लगेंगे. द पाइप्स रिक्वायर मोर टाइम फॉर रिपेयर्स ड्यूरिंग ब्रेकडाउन, डज नॉट सूटेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स. ये पाइप्स अगर ब्रेक हुए, अगर इनमें ब्रेकेजेस आए, लीक्स आए, टूट गए, तो इन्हें रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है. इसके लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स में हम इन्हें यूज़ नहीं करते हैं, स्टील पाइप्स को. सपोज़ अगर हमने इसे डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में यूज़ किया घर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और किसी पाइप में ख़राबी आ गई, तो हमें उसके रिपेयर में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और वो खराब पाइप जिन घरों में पानी पहुँचाती थी उन घरों को काफ़ी ज़्यादा दिनों तक एडजस्ट करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स उठानी पड़ेगी पानी की. इसके लिए हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स नहीं यूज़ करते. अंडर द एक्शन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स, स्टील पाइप्स आर लाइकली टू डिफॉर्म इन शेप. अगर इन पे एक्सटर्नली या इंटरनली भी अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया गया तो ये अपना शेप चेंज कर लेते हैं, डिफॉर्म इन शेप. रॉट आयरन पाइप्स,
These pipes are light in weight and they can be easily cut, threaded, worked. ये पाइप्स वेट में काफ़ी हल्के होते हैं, इसके लिए हम इन्हें इजीली कट कर सकते हैं, थ्रेड कर सकते हैं. थ्रेड का मतलब क्या होता है, हम इनमें नट फिट कर सकते हैं. नट क्यों फिट करने का काम पड़ेगा, ताकि हम जब इन्हें सेट करें हमारे पाइपलाइन में तो ये इजीली इंस्टॉल हो सके एंड वर्क्ड, हम इन पर इजीली काम कर सकते हैं. बट दे आर फाउंड टू बी कॉस्टली एंड लेस ड्यूरेबल एज कम्पेयर टू द कास्ट आयरन पाइप. रॉट आयरन पाइप से कास्ट आयरन पाइप के मुकाबले कम समय तक चलते हैं. हेंस रॉट आयरन इज नॉट यूज इन द कन्वेयंस ऑफ वाटर. इसके लिए ये पाइप पानी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज नहीं किया जाता, क्योंकि इनकी लाइफ बहुत कम होती है. एडवांटेजेस ऑफ रॉट आयरन पाइप्स, लाइटर देन कास्ट आयरन पाइप. ये कास्ट आयरन पाइप के मुकाबले काफ़ी हल्के होते हैं, ईजिली कट, थ्रेडेड एंड वर्क. अभी हमने इंट्रो में देखा ये ईजिली कट हो सकते हैं, हम इनमें ईजिली नट्स फिट कर सकते हैं और हम इन पर ईजिली काम कर सकते हैं. गिव्स नीट अपीयरेंस इफ यूज इन इंटीरियर वर्क्स. अगर हम इन्हें बिल्डिंग के इंटीरियर वर्क में, इंटीरियर डेकोरेशन में यूज़ करते हैं, तो हमारे इंटीरियर को काफ़ी अच्छा लुक देते हैं, काफ़ी नीट लुक देते हैं. Disadvantages of wrought iron pipes. More costly than cast iron pipe. ये cast iron pipe के मुकाबले काफ़ी महंगे होते हैं. Less durable than cast iron pipe. Cast iron pipe से कम समय तक चलते हैं. Now copper pipes. The copper pipes did not sag or bend. Sag का मतलब क्या होता है, bend होना. Due to hot water, thus their use is restricted to convey hot water. कॉपर पाइप सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही यूज़ होता है, क्योंकि जब इनमें हम क्योंकि हमने पढ़ा कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन. अगर हम किसी पाइप से गर्म पानी सेंड करेंगे या टेम्परेचर उन पर ज़्यादा हो जाएगा, तो उनका मटेरियल एक्सपांड होगा. मटेरियल एक्सपांड होने की वजह से क्या होगा, वो पाइप जो है वो इस तरह से बेंड हो जाएगा, क्योंकि उसका मटेरियल एक्सपांड हो गया रहेगा. तो जो कॉपर पाइप्स है वो इस तरह से सैग नहीं होते, लटकते नहीं है गर्म पानी के वजह से. और इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ हॉट वाटर, गर्म पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं. दे आर कॉस्टली दस कैन नॉट बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. ये काफ़ी महंगे होते हैं, इसके लिए इन्हें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के लिए काफ़ी ज़्यादा पाइप्स लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाइप्स लगते हैं, और हम इसके लिए कॉपर पाइप्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं. नाउ एडवांटेजेस ऑफ कॉपर पाइप्स, नॉट लाइबल टू कोरोड. ये कोरोड नहीं होते, इन पर एसिड या केमिकल्स का असर नहीं होता. दे कैन बी ईजिली बेंट, ये बहुत आसानी से मुड़ जाते हैं. डू नॉट सैग इफ हॉट वाटर इज यूज. अभी हमने देखा ये लटकते नहीं हैं हॉट वाटर अगर हमने इसमें से पास किया तो. डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉपर पाइप, कॉस्टली है, ये काफ़ी महंगे होते हैं. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हम बचपन में पढ़ चुके हैं कि कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसके लिए हमारे घर में जो या कहीं भी जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होते हैं, उनकी तारें कॉपर की बनी हुई होती हैं, है ना. तो आज हमने 5 टाइप्स ऑफ पाइप्स कवर किए, कास्ट आयरन पाइप, स्टील पाइप, RCC, रॉट आयरन और कॉपर पाइप. एस्बेस्टोस पाइप कवर किया था. सो इन टोटल हमारे 6 टाइप के पाइप हो चुके हैं और 3 टाइप्स बचे हुए हैं, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे. और न्यू टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे जो है वाल्व्स. और आज के लिए बस इतना ही, आई गेस इनफ हो गया है, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का वीडियो है. प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.